नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर ये जो रिबन के ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टूल बार आपको दिखाई दे रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कैसे मूव करते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, ये ऑफिस बटन है, ठीक इसके बगल में ये जो टूल बार है ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ये देखिए, अभी रिबन के ठीक ऊपर है। अगर मान लीजिए इसे हमको नीचे लाना है, नीचे यहाँ पर रखना है क्विक एक्सेस टूल बार को, ठीक नीचे, तो क्या करेंगे, इसे किसी भी जगह पे, यहाँ पे मान लीजिए ये जो आपको रिबन दिखाई दे रहा है इसके ठीक व्यू के ठीक बगल में आप माउस पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन उभर कर आएगा। यहाँ पे देखिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे ऑफिस बटन यहाँ पे था, उसके ठीक नीचे यहाँ देखिए रिबन के ठीक नीचे यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे आ गया। फिर वापस मान लीजिए इसको यहाँ से फिर ऑफिस बटन के ठीक ऊपर यहाँ पे रखना है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो सिंपल है, फिर आप इसके बगल में राइट क्लिक कीजिए, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार आ गया है आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो तीन ऑप्शन उभर कर आ जाएगा। यहाँ देखिए, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है ये ठीक यहाँ पे ऑफिस बटन के ठीक बगल पे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिए, ऊपर चला जाएगा, अबव द रिबन मतलब ये आपका रिबन है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप क्विक एक्सेस टूल बार को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, सिंपल है। यहाँ पे आप व्यू के ठीक बगल में, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, व्यू के बगल में माउस पॉइंटर रखिए, खाली जगह पर राइट रिबन के पट्टी पे रखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, यहाँ पे देखिए रिबन यहाँ पे आ गया। अब इसको ठीक वापस फिर ऊपर ले जाना ऑफिस बटन के ठीक यहाँ पे, तो यहीं पे ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे जो आया हुआ है इसके बगल में राइट क्लिक कीजिए, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा क्विक एक्सेस, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया। और दूसरी बात, कभी कभी देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते करते अचानक, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो आपका ये रिबन हाइड हो जाता है, तो कैसे लाएंगे, सिंपल है। इसके देखिए, अगर हाइड हो जाता है, अभी तो फिलहाल आपको रिबन दिखाई दे रहा, साथ में ये सब सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहा, पैराग्राफ, ये ग्रुप दिखाई दे रहा, फॉन्ट दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे कहीं भी आप ये जो रिबन का जो पट्टी दिखाई दे रहा है इस पर रखिए माउस पॉइंटर, राइट क्लिक कीजिए। अभी देखिए, मिनिमाइज द रिबन, ये देखिए मेरा रिबन जो है मिनिमाइज हो गया, देखिए यहाँ पे रिबन मिनिमाइज हो गया। तो फिर कैसे लाएंगे, इसी ठीक व्यू के बगल में माउस पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और ये जो मिनिमाइज द रिबन का ये जो ऑन है, चेकबॉक्स ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी जैसे फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ये रिबन यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर, नहीं अच्छा लगा कम से कम डिसलाइक कीजिए। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।